हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की वीडियो में मेरे जितने भी यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ विद्युत मंडल के खिलाफ लड़ने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, मैं कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा और कहाँ से मुझे आइडिया मिला। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे घर पर जून 2017 में 60,000 रुपये का बिजली का घरेलू बिल आया था। और उससे एक महीने पहले ही मुझे 1,000 रीडिंग का कुछ 7,500, मतलब देखा जाए तो मुझे 70,000 रुपये का बिजली का बिल आया था। और उसके लिए मैंने पूरा एक साल किस तरह से लड़ाई करा। और अच्छा, मुझे ये बिजली का बिल आने के 6 महीने पहले ही पता चल चुका था कि मेरे घर इस तरह का कोई बिजली का बिल बड़ा आने वाला है, क्योंकि अभी ये गड़बड़ी बहुत टाइम पहले से चल रही थी। और विद्युत मंडल के बहुत से जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं जो रीडिंग नहीं लेते हैं और कंपनियां इनको ठेका देती रीडिंग, तो इन लोगों की गड़बड़ी की वजह से ऐसा था। और उन्होंने हमसे रिश्वतखोरी करने की कोशिश करी, हमसे पैसे लेकर के इस चीज़ की सेटलमेंट करने की कोशिश करी। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस गलत चीज़ को बिल्कुल नहीं सहूंगा और इस तरह का बिल आने दीजिए, मैं आप लोगों को पैसे कोई रिश्वत नहीं दूंगा और जो भी आपकी गड़बड़ी है मैं उसको उजागर करूंगा और उस चीज़ के लिए मैं लड़ूंगा, उस चीज़ को फेस करूंगा। तब जाकर के 6 महीने बाद मेरे घर पर इस तरह का बिल आया। और उसके बाद लगभग 7 से 8 महीने तो मैं इनके विभागों के चक्कर ही काटता रहा था। तब मुझे भी पता नहीं था कि किस तरह से इस तरह की समस्या से निकलते हैं। लेकिन अक्टूबर 2017 में मेरे घर पर मतलब उस समय दिवाली का टाइम था, तो विद्युत मंडल ने एक नेशनल लोक अदालत का नोटिस मेरे घर भेजा मुझे डराने के लिए कि आपका बिल, मतलब जिस समय नोटिस निकला था उस समय तक लगभग कुछ 70-72 हज़ार रुपये हमारे बकाया निकल रहे थे विद्युत मंडल के हमारे ऊपर। तो उस चीज़ को डराने के लिए मेरे घर पे एक नेशनल लोक अदालत का नोटिस भेजा था, जिसको मैंने आज फ्रेम करा करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये वो नोटिस है विद्युत मंडल का, मैं आपको स्क्रीन में इसको जूम करके भी बताऊंगा। ये वो नोटिस है जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। और जब मेरी 7-8 महीने की लड़ाई चली, जब मैंने एमपीवी करप्शन मेरी सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी, मेरे पहले शुरुआत के 4 वीडियो यूट्यूब पे मैंने फ्रस्ट्रेट होकर के डाले थे। उसके बाद में जब बाहर के भी और बहुत लोग उस चीज़ों से जुड़ने लगे, बहुत सारी मतलब जैसे मुझे समस्या थी, जैसे लाखों करोड़ों लोगों को समस्या थी, लोग मुझसे जुड़ने लगे, तो फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया के लिए bijliforum.com वेबसाइट बनाई। तो आज जो मैं यूट्यूब पर बना रहा हूँ ये वीडियो, जो मैंने वेबसाइट बनाई mpvcorruption.in.com और उसके बाद में bijliforum.com, ये सभी वेबसाइट बनाने का आइडिया ही मुझे इस मतलब जो पूरा मोटिवेशन मिला वो इस नोटिस के बाद मिला। ये आज भी मैंने मेरे पास ये नोटिस संभाल करके रखा हुआ है और इसको मैंने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ठीक ऊपर लगाया हुआ है, ताकि विद्युत मंडल के खिलाफ मैं जो ये कार्रवाई कर रहा हूँ, मतलब जो ये मैंने मुहिम छेड़ रखी है, जो इतने में वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समस्या के समाधान देता हूँ और खुद मैं अभी विद्युत मंडल को स्टडी कर रहा हूँ, उसके कानून को, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं स्टडी कर रहा हूँ ताकि लोगों की मदद हो सके। तो यही बस मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव था कि मैं लोगों को बता सकूँ कि जिस तरह से इन्होंने मेरे घर ये नोटिस भेजा था, आज इसको मैंने फ्रेम करा के रखा हुआ है। लोग डर जाते हैं जब इस तरह की कोई नोटिस या इस तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, लेकिन मुझे उसके इस नोटिस के आने के बाद इस तरह का मोटिवेशन मिला कि मैंने कभी पीछे पलट के देखा नहीं। और इन विद्युत मंडल वालों की इस तरह से पुंगी बजाई है कि आज ये मेरे घर आना भी भूल गए हैं। और यही काम आप भी इन लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 90% लोग, 90% से ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ 100% लोग बिजली विभाग के काम करने के तरीकों से और इनकी भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहुत से गरीब लोग, कितने ही किसानों ने बिजली के बिलों की वजह से आत्महत्या कर ली, और कितने ही लोग अभी ऐसे हैं जो इस तरह के केसों में फंसे हैं, उनकी जितनी कमाई ही नहीं है उससे 20 गुना 50 गुना ज़्यादा के बिजली के बिल उनके ऊपर बकाए पड़े, फर्जी चोरी के केस उनके ऊपर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत नहीं दी, खर्चा पानी नहीं दिया। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसा चल रहा है कि वहां पर प्रॉपर मीटर नहीं लगाए गए हैं, अपनी मर्जी से बिजली के बिल कुछ तो भी भेज देते हैं, सालों नहीं भेजते हैं और फिर एकदम से इकट्ठा भेज देते हैं। ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों केस पड़े हुए हैं, मतलब प्रकरण लोगों के चल रहे हैं, लोग परेशान हैं बिना मतलब में, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं। लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया क्योंकि समस्या से मैं भी निकला था। और इस तरह की मैंने वीडियो बनाना, वेबसाइट बनाना और उसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब विद्युत उपभोक्ता को अवेयरनेस के लिए कि इस तरह की मतलब लूट उनके साथ ना हो सके। और
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अभी बहुत लोग हैं जिन्हें जागरूक करना है और मेरी इस मुहिम से आप जुड़िए, और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मेल से कांटेक्ट कीजिए, मेरी वेबसाइट के माध्यम से भी आप मुझे शिकायत कर सकते हैं। मैं बिल्कुल हर हर किसी की समस्या का जवाब देता हूँ। किसी का भी कोई मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं बिल्कुल उससे बात करता हूँ, जवाब देता हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।